सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइज, आज मैं आप लोगों को बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में जो कि भाई फ्री फायर एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करते हुए ऋतिक भाई के अगेंस्ट वीडियो डाल रहे हैं। भाई तुम्हें पता है BGMI जब बैंड हुआ था तो वो इतनी जल्दी क्यों आया? उसका मेन रीज़न है कि उसके जितने भी क्रिएटर थे सब एक साथ होकर आवाज़ उठा रहे थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से जल्दी गेम को लॉन्च किया। बट यहाँ क्या है, कुछ यूट्यूबर्स आवाज़ उठा रहे, ऋतिक भाई लड़ने की कोशिश कर रहे, बट कुछ है कि उन्हें अपोज करना है। भाई उन्हें पैसा मिल रहा है, वो वीडियो बना दे रहे ऋतिक भाई के अगेंस्ट, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे। भाई तुम कर लो, नहीं होगा। वो उनका कहना क्या, देखो कि भाई बंदे के चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, उसे अपना चैनल ग्रो करना था। अरे भाई तुम जितना मेहनत करके एक महीने में डालते हो ना, मतलब जितना एडिटिंग वेडिटिंग करके तुम वीडियो डालो उसमें जितना व्यूज़ आएगा ना, ऋतिक भाई एक गेम प्ले अगर अपना अपलोड कर देते विदाउट एडिटिंग तो तुमसे ज़्यादा व्यूज़ लेके चल जाएंगे। और दूसरा क्या बोलता है वो बंदा कि पार्टनर प्रोग्राम से निकाल दिया गया इसीलिए वो ऐसा कर रहा। तो भाई सुन, पार्टनर प्रोग्राम में तू है, चल मान लिया उन्हें निकाल दिया, तू तो पार्टनर प्रोग्राम में है, तू सियोरिटी ले रहा है कि फ्री फायर इंडिया इतने तारीख को आएगा, या फिर तू कुछ कंफर्म डेट बता पाएगा, तू आंसर दिलवाएगा हमें, बोल। तू तो उसके अंदर है भाई, पार्टनर प्रोग्राम के अंदर है, तू बोल दे, हम लोग सब ऋतिक भाई को गलत समझ लेंगे। पर नहीं, इनसे वो भी नहीं होगा, क्योंकि जो गरीना से ये डरते हैं इनका इनकम बंद हो जाएगा भाई। और भाई देखो, मैं आप लोग सभी को बता रहा हूँ, ऋतिक भाई जो कर रहे सही कर रहे हैं, उन्होंने अपना इस पार्टनर प्रोग्राम खुद ही मतलब सेक्रीफाइस कर दिया हमारे लिए, वो बंदा एकदम सही है। आज का टाइम पे अगर उसे कोई सपोर्ट नहीं करता तो मैं समझता हूँ कि उसे अपनी ऑडियंस से कुछ लेना देना नहीं है। तो चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।